अब उन्होंने कहा गौरव जी ने कि वो सवाल पूछा गया था। अरे भाई सवाल पूछने वाले तो अडानी के चैनल के दलाल थे, थोड़ी मर्यादा रखिए। अडानी के चैनल के शेयर्स हैं, अनाली अडानी के शेयर्स हैं जो सेबी जांच कर रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। ये आपकी सामान्य भाषा है क्या? एक सेकंड आलोक जी को मेरे साथ दिखाइएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं सरफराज, आप देख रहे हैं अली साइन ऑन। दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी गोदी मीडिया डिबेट करता है तो एक तरफा ही डिबेट करता है, जैसे कि कांग्रेस वाले को चुप कर देता है और बीजेपी वाले का तरफा तरफ होकर जो है ना डिबेट करता है, ये दोगलापन क्यों करते हैं? आज देखिए आलोक शर्मा कैसे अंजना उनका सब फूल लगा देंगे और इसी वीडियो पे आज रिएक्शन करने वाले हैं। बीपी बढ़ाए हैं, चलिए आगे देखते हैं। डिबेट करते करते एक हमारा साथी डिबेट करता करता इस आज तक की डिबेट के बाद अपने शरीर को छोड़कर चला गया। आप लोगों ने जिस तरह के टॉपिक्स को उठाया आलोक शर्मा जी, जिस तरह से एक तरफा डिबेट आलोक शर्मा जी, मैं आपको फिर मुझे अपने घर जाना है। ये रोहित सरदाना के बाद बोल रहे हैं। प्रश्न पूछती है, प्रश्न पर उसको बीजेपी का बैच लगाने के लिए बोल दिया जाता है। ऐसी ही स्थिति रहती है, कहीं पर और जाइए। सही बोल रहे हैं, एक तरफा डिबेट करते हैं, जितना भी गोदी मीडिया वो देख लीजिए, एक तरफा ही डिबेट करते हैं। नेता का सीधा जर्नलिस्ट को कहना कि आप बीजेपी का बैच लगा लो, गजब बेइज्जती है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत गलत है? आप लोगों को सोचना चाहिए, ये गलत है। अच्छा सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन से शुरू कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को जिस दिन से चुनाव हुआ है बीजेपी और मीडिया का एक वर्क, क्योंकि तुम लोग कर रहे हो इसलिए बोल रहे हैं ना लोग। अब आता दूसरा सवाल का हिस्सा कि हमारा व्यवहार, अंजना जी हमारा कांग्रेस के व्यवहार देखने से पहले जिस संस्थान की आप बात कर रहे हैं, मीडिया जगत की, मीडिया जगत भी अपना व्यवहार देखे। बात तो सही है, पिछले 10 साल से अगर 80-85% मीडिया वर्ग, एक मिनट सुनिए मैम, मैंने आपको सुनिए जरा आलोक जी, मौसमी सिंह ने सवाल पूछा था, करता दिखेगा तो हम आप अपनी शब्द और भाषा को संभालिए मिस्टर आलोक। मैं आपको कह रही हूँ, देखिए मैं मिस्टर आलोक, आप शब्द और भाषा संभालिए। अगर ऐसा शब्द मैंने आप किसी के लिए भी ऐसी भाषा मेरे ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आपके नेता के लिए नहीं, मैं किसी के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। अंजना जी सही बात बोल रहे हैं, अभी आलोक शर्मा को अभी देखो कैसे चुप कर रही है, एक तरफा कैसे पक्षपात कर रही है। ये भी मेरी गलती है, तो इमैच्योर पर बोलना, आप उस पर जवाब दीजिए, आप उनके नेता पर अटैक कीजिए। मीडिया हिंदुस्तान का सुनिए ना जरा, अंजना जी हिम्मत है तो सुनिए जरा, आप मूव ऑन होगी ना, आपसे कहीं ज्यादा है, आपसे प्लीज आलोक जी, आलोक जी प्लीज सुनिए, मैं कह रही हूं आप भी अपना शांति से सुनिए, मैं भी शांति से बोलूं, प्लीज कम डाउन, ब्रिंग डाउन योर टेंपर, ब्रिंग डाउन योर टेंपर। सुनिए ना मैडम, आप सुनेंगे, अब शब्द मत बोलिए प्लीज, आई विल रिक्वेस्ट यू, आई विल ब्रिंग डाउन माय टेंपर बट आई विल नॉट टेक माय वर्ड्स बैक, आई एम कमिंग टू द पॉइंट, वापस आता हूं। ऐसे ही और गोदी मीडिया एक्सपोज वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर गोदी मीडिया के लिए एक शब्द लिखें।